Today we have to start from page number 39. From page number 39 of your book, Draw Disputes. Hurry up, open your books, turn on your cameras, and be attentive. G. मेथड्स टू कंजर्व एनर्जी. मेथड्स टू कंजर्व एनर्जी के हम मतलब कौन से तरीकों से, व्हाट कैन वी डू टू कंजर्व एनर्जी, हाउ कैन वी सेव एनर्जी. सो देयर वी हैव स्टडीड डिफरेंट मेथड्स टू ऑफ सेविंग एनर्जी. सो वन इज ड्रॉ डिस्क्रिप्टर्स. टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट ड्रॉ डिस्क्रिप्टर्स. Drops means like incoming dust or cool air coming from outside or hot wind, anything. मतलब कोई भी अगर बाहर गर्म हवा चल रही है या ठंडी हवा चल रही है, dust है, तो उसको रोकने के लिए how can drops can be stopped? What are drops? Any kind of cool air or warm air or heavy wind blowing outside. It can be stopped from coming inside by which method? By fixing strips of plastic or foams around the edges of doors and windows. अब जो doors और windows होते हैं उनके नीचे plastic लगा दो, जैसे ये plastic है, और any kind of foam, या foam भी लगा सकते हैं around the edges of doors and windows to stop the incoming wind or any kind of dust, यानी अगर आंधी आ जाती है या wind है, heavy wind blow कर रही है, so to stop that heavy wind from like from coming in, from dust from coming inside, from cool wind from in, coming inside, so what can be done? Plastic or foam can be placed along the edges of the doors. ठीक है, strips which brush against the floor can be fixed along the bottoms of. वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे टिंकी नुमा जो स्ट्रिप्स है वो लगाई जा सकती है. स्ट्रिप्स कैन बी जो कि ब्रश करेगी अगेंस्ट द फ्लोर. ये अक्सर अगर हम लोग किसी ऑफिस या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह में जाए तो हम देखते हैं कि मतलब उन्होंने अपनी डोर्स के नीचे स्ट्रिप्स लगाई हुई होती है ताकि कोई भी डस्ट या इस तरह से कोई हैवी विंड या इस तरह से कोई चीज अंदर एंटर ना कर सके. तो स्ट्रिप्स व्हिच ब्रश अगेंस्ट द फ्लोर कैन बी फिक्स्ड अलोंग द बॉटम्स ऑफ डोर्स. तो उन स्ट्रिप्स को आप नीचे जो है वो प्लेस कर देते हैं. इससे कोई भी डस्ट या कोल्ड एयर, अगर मतलब गर्म इलाके हैं तो कोल्ड एयर जो है वो अंदर नहीं आ सकती. तो इट बेसिकली इट प्रिवेंट्स द कोल्ड एयर फ्रॉम कमिंग इनसाइड. Like if we are living in some kind of a cooler climate, so we can just prevent cold air from coming inside, yeah, from blowing in under the door by placing plastic or foams or any kind of strips or brush. ठीक है, तो इस तरीके से हम उस incoming air को हम prevent कर सकते हैं. जैसे इन्होंने आपको यहाँ से दिखाया ना, ये जो हमने पढ़ा था मेथड, इसमें आप का लिखा हुआ ना थ्रू द ड्रॉट 15%. अब ये ड्रॉट जो है इसके मतलब यानी इस डोर के नीचे जो है वो क्या लग जाते हैं, ब्रश लग जाते हैं, ब्रश लग जाते हैं या फिर फोम और प्लास्टिक. फिर कोई भी इनकमिंग एयर इस दरवाजे से या विंडो से नहीं आ सकता. सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉट एक्सक्लूडर्स. एक्सक्लूडर्स मींस जो एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना मींस टू remove. ठीक है, like draw excluders means to
not allow cool air from coming inside. Basically, draughts का क्या मतलब है? Cool air blowing outside, ठीक है? The draught excluders, यानी जो excluders or things which can prevent cold air from coming inside. So these are very cheap and very easy to fit. They make the house more comfortable and their cost can be recovered very quickly. So you understand कि it basic function is it prevents, मतलब वैसे तो dust भी रोक सकती है, लेकिन basic function is it's prevent cold air from coming inside the house. Cold air को घर के अंदर आने से रोकती है. Okay, hot water cylinder jackets. The second one is hot water cylinder jacket. As you can see the diagram as. So what is meant by hot water cylinder jacket? Okay, in houses, hot water is usually stored in a copper cylinder. अब कई घरों में ऐसा होता है कि हॉट वाटर जो है वो किस में स्टोर किया जाता है? कॉपर सिलेंडर. सो कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अंडरलाइन करें, कॉपर जो है वो हमने पढ़ा है कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. सो द सिलेंडर लूजेस हीट वेरी क्विकली. तो सिलेंडर क्या लूज कर जाता है? हीट वेरी क्विकली, ठीक है? स्पेशली इन कूलर क्लाइमेट्स. अब जो ठंडे इलाके हैं वहां पर अगर आप मतलब उन्होंने कहा है कि आप हॉट वाटर को कॉपर सिलेंडर में स्टोर करोगे तो व्हाट विल हैपन कि कॉपर विल लूज हीट इजीली. तो वो पानी जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. तो उन्होंने कहा स्पेशली कूलर क्लाइमेट्स में, क्योंकि वहां पे जारी बात है टेम्परेचर डाउन होता है, लो होता है. तो ऑब्वियसली it will water will become cold very quickly. The immersion heater or boiler then has to heat the water again. Okay, so what will happen then if the copper cylinder will lose heat so quickly? Then the water has to be boiled again. उस पानी को दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा? Boil करना पड़ेगा. Okay, so the immersion heater or boiler then has to heat the water again. Covering the cylinder with a thick jacket. Now what we will do? जैसे एक cylinder आपको उन्होंने शो किया है, this is a copper cylinder. Now if we just cover this copper cylinder with a thick jacket, so what will the jacket do? The covering the cylinder with a thick jacket filled with insulating material slows down the heat loss, so saves fuel. The cost of insulating the hot water tank can be recovered in a few. Now what will happen कि ये उन्होंने आपको स्पेशली कोल्डर क्लाइमेट की बात बता रहे हैं. ये जो मेथड्स इन्होंने आपको बताए ना, ये हमारे इलाकों के नहीं है क्योंकि ये इलाके तो वैसे ही गर्म है. ओके, दीज मेथड्स आर फॉर बेसिकली कूलर क्लाइमेट्स जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं. सर्दियाँ ज़्यादा महीने रहती हैं, गर्मियाँ एक महीना या डेढ़ महीने के लिए आती हैं. सो बेसिकली हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट इज फॉर preserving water, ठीक है, hot water. But what happens that in cooler climate it will lose heat easily, quickly. क्योंकि copper is a good conductor of heat and electricity ना, इसलिए वो easily conduct कर लेगा, heat उसमें से cross कर लेगा. So it means that we have to cover it with some kind of insulating material to prevent heat loss. ठीक है, heat loss को prevent करने के लिए हमें इसको किससे cover करना पड़ेगा? किसी insulating material. So what is the insulating material? We can use any kind of, like they are saying that we can cover it with a blanket. Blanket also acts as a insulating material, na? Blanket bhi ek insulating material hai. Like blanket, jaise hum blanket odhte hai, to we feel warm. Theek hai? So when we just cover it with an insulating material like a blanket, it will keep the water warm. So there is no need to spend money on some kind of as they are saying, like some kind of immersion heater or boiler. That we don't need to do so because we have covered it with a cylinder jacket. Okay, this is quite like means the cost of the insulating material is not very much and it can be recovered in a few months. And the insulating material
slows down the heat loss and saves the fuel. So what you have studied, we have studied the methods of to conserve energy in the above two methods, which was insulation, double glazing, secondary glazing. We have studied these, and also we have studied so these are all the methods of conservation of energy supplies in cooler climates. ठंडे इलाकों में हम एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं. सो वी हैव स्टडीड डिफरेंट मेथड्स एंड ऑफ दीज मेथड्स वी हैव स्टडीड दैट वी कैन पुट फोम अराउंड द डोर्स टू स्टॉप द कोल्ड विंड फ्रॉम कमिंग इनसाइड. ओके वी कैन आल्सो लाइक डू इंसुलेशन. वी कैन इंसुलेट द वॉल्स, द फ्लोर, द डोर्स, द विंडोज. वी कैन इंसुलेट. देन वी आल्सो हैव स्टडीड अबाउट डबल ग्लेजिंग. Like we can put a second window. In addition, if one is not enough, then we can put a second window so that it will prevent the cold wind from coming inside. Okay, and it could also prevent heat from losing. And there is also a method number two in which windows are replaced by special double windows. There is not a single glass, there are double glass, okay? Double windows. So this is called secondary glazing. ये double glazing है कि हमने इसमें already fitted window के पीछे एक window लगाई है. And this one is secondary glazing that we have put a single window which is a double window. यानी हमने एक ही window लगाई है लेकिन it is a double window because it is having two glass in it. So this is called secondary glazing. Then we have studied about drought excluders. Drought means any cold air, any kind of cold air. So if we are living in some warm climates, how can we prevent cold air from coming inside the house by placing some kind of foam or plastic or sheet or some brushes against the door on the at the foot of the door. So it will prevent the cold air from coming inside. And also we have studied about how can we preserve hot water. So we have studied that we can just insulate it with some kind of, zaruri nahi ki aap isko blanket se insulate kare. You can just put any other kind of insulation, jaise plastic bhi chada sakte hain. Lekin plastic ye hai ki wo too much heat up hoke wo pighal bhi sakta hai. So isliye hum usko place nahi karenge, lekin waise plastic bhi, rubber bhi hai. You can also use rubber sheet भी आप अगर कोई rubber sheet आपको मिले या rubber आप foam लगा दो तो वो भी चल जाएगा. यानी कि आप कोई भी insulating material लगा के आप इस चीज को preserve कर सकते हैं. We can do. Okay, now you have to do the question answers of this page. So I'm just repeating. And also page number 37. चलें हम इसको end में कर लेते हैं. Page number 35 and 33 I have already given you. Now page 37 and 39 question answers. Write down your homework. You have to do question answers of page number 37 and 39. Homework is page number 37 and 39. Okay. So which fossil fuels are going to run out first? Okay, I will ask at the end. Now open your next page, that is renewable energy resources. So what is meant by renewable energy resources? Renewable ka matlab kya hota hai? Renewable means which can be used again and again. A thing which can be used again and again, that is called renewable. So renewable energy resources ka kya matlab hai? Means such energy resources which can be used again and again, they are called renewable. ठीक है? आपके बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी होगी. Where is it written? It's in the second. Underline the second line.
energy sources that do not use fuels taken from the earth. Called alternative energy sources. They use natural sources such as the sun, tides, and wind. अब आपको बता दें कि ऐसी energy sources जो कि ज़मीन से fuels को use नहीं कर रही, they are not using fuels from the earth, but they are using fuels from the means to say that they are using fuels which are natural, ठीक है, which are found naturally. So these are called alternative energy sources. They use natural sources such as the sun, tides, and wind. So these are called renewable energy sources. अब क्या है कि ये जो energy sources हैं, renewable energy sources, they are not using energy from earth. They are using natural resources. ये जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर पैदा की हैं इंसानों के लिए, उन sources को इस्तेमाल करें. They are using sources which are found natural, like wind. Wind is found naturally. इंसानों ने तो नहीं बनाई ना. Like water, like sun. These are renewable energy resources. What wind, water, sun, tides, ठीक है. So these are all made by Allah. So the renewable energy sources are such sources which are using energy which are found natural. ठीक है, so अब वो क्योंकि ये कह रहे हैं कि fossil fuels will run out soon, so scientists are developing other ways of generating energy. क्योंकि जो fossil fuels हैं वो तो जल्दी ही जो है वो eventually finally खत्म हो जाएंगे, तो that's why scientists are using alternative fuels as well. अब scientists जो है वो alternative fuels भी बना रहे हैं instead of these fuels. Scientists are also making alternative fuels, ठीक है, ताकि जो है वो उनकी नीड पूरी हो सके. Now, energy sources that do not use fuels taken from the earth are called alternative energy sources. वो क्या use करती है? Natural sources such as the sun, tides, and wind. You can underline the definition. These are called renewable energy sources because they will be able to supply energy for millions of years. कि ये जो energy इनसे generate होगी, it can supply energy for millions of years. ये कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि unlimited supply में present है. ठीक है? ये कभी भी finished नहीं हो सकती because it is present naturally and it is in like unlimited supply. Now, first of all is wind power. Now, wind power में आपको पता है कि किसकी बात करेंगे हम? We will talk about wind turbines. Okay? Wind power is about wind turbines. So, wind turbines क्या होती है? They are placed where there is too much like air, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा होती है. वहाँ पर ये place की जाती है. जी, विंड टर्बाइंस कैन बी यूज टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. ठीक है, विंड टर्बाइंस के जरिए जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो है ये मोस्टली कहाँ पर जो है वो प्लेस्ड होती है? नियर द सी कोस्ट और नियर सम डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में भी क्योंकि डेजर्ट्स के करीब जो मतलब हवा ज़्यादा, यानी ऐसे डेजर्ट्स नहीं, यू कैन से प्लेट्यूज, जो ऐसी जगह होती है ना ऊँची ऊँची पथरीली, वहां पर ये प्लेस की जाती है वेयर देयर इज इनफ एयर फॉर देम. ठीक है, टू ड्राइव देम. सो विंड टर्बाइंस कैन बी यूज टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. इनके जरिए क्या चल जाते हैं? जनरेटर्स. हाउएवर स्टोरिंग द एनर्जी इज नॉट इजी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली प्रोड्यूस विद द टर्बाइंस आर रोटेट. अब उसकी टर्बाइंस यानी जो उसकी लाइक जो उसके पंखे हैं, ठीक है, जो उसके पंखे हैं वो when they rotate, जब वो rotate करेंगे, only the electricity is produced when the turbines are rotating. वो उसकी basically क्या है? वो उसकी turbines, जैसे वो पंखे हैं ना उसके, they are its turbines. वो उसकी क्या कहलाती है? Turbines कहलाती है. So electricity will only be produced when the turbines are rotating. जब turbines rotate करेंगी तो electricity produce करेगी. Large wind farms. Large numbers of wind turbines in one place.
okay, underline. Large wind farms, large number of wind turbines in one place. Yani ki large wind farms, large number of turbines jo hai, they can be placed. Yani ki agar bahut bade bade wind farms hain, to wahan par bahut zyada turbines jo hai, wo place ki ja sakti. Very large amount of wind turbines can be placed over there. Now, they can be built in windy locations on land and on sea. ठीक है, जहाँ भी जमीन पर भी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है या विंडी एरिया है, सो इट कैन बी प्लेस्ड ओवर देयर और इट कैन बी प्लेस्ड नियर टू द सी वेयर देयर इज इनफ एयर. ठीक है, जहाँ पर ज्यादा हवा चलती है वहां पर इसको प्लेस किया जा सकता है. ठीक है, सो the electricity it is attached with the generator. A wind power jo hai inke sath wind turbines ke sath kya attach hota hai, generator attach hota hai. It is attached with a generator, so the generator is used to drive electricity, to produce electricity. Now they can be placed on the land near to the sea, and the electricity can then be the electricity generated by the generators is then fed to the homes and to industry. When the wind blows, other types of power stations could produce less electricity and so burn less fuel. अब वो आपको क्या बता रहे हैं कि जब wind blow करती है, यानी कि जब हवा चलती है, तो other types of power stations could produce less electricity and so burn less fuel. ठीक है, so दूसरे जो power stations है दूसरे पावर स्टेशन से उनमें हल्का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसी तरीके से फ्यूल भी कम ही बर्न करता है. ठीक है, सो इन दिस मेथड वी हैव स्टडीड एंड वी कैन यूज विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस मेथड इज नेचुरल. ठीक है, नेचुरल मेथड है ये. इट इज वन ऑफ द नेचुरल मेथड्स एंड It can be easy to generate electricity through this method because the turbines can be placed, wind turbines can be placed near to the sea, on the land where there is too much wind or air. ठीक है, और इसमें ज़्यादा आपकी जो है वो fuel भी खर्च नहीं होगा. There is less fuel क्योंकि obviously तो natural supply से चल रही है ना, तो हमें तो इतना कोई fuel use नहीं करना पड़ता. And also it can produce electricity. And the electricity can then be fed to the homes and industries. Okay, next is hydroelectric power. Ab hydroelectric power jo hai, it is related to water. Means electricity produced through water. So how electricity is produced through water? Fast flowing water, as you can see in this picture, fast flowing water. Dekhiye aap kaise water jo hai wo ekdam se flow karta hua hai, behta hua. So fast flowing water can be used to drive turbines in hydroelectric power stations. Hydro means water. Hydro ka matlab kya hota hai? Water means power stations which need water. So such power stations which use water to produce electricity, they are called hydroelectric power stations. ठीक है, power stations which use water to produce electricity, they are called hydroelectric power stations. तो फास्ट फ्लोइंग वाटर जो है, इट कैन बी यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइन्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में टर्बाइन्स को ड्राइव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं. जैसे आप देखो, ये वाटर है, इट इज फ्लोइंग नाउ, इट इज रनिंग, दिस इज रनिंग वाटर. ठीक है, क्या है? रनिंग वाटर मींस बहता हुआ. When the demand for electricity is high, water is released from a high reservoir. जब demand electricity की, जैसे घर में demand बढ़ जाती है ना electricity की, usage जो है electrical supplies की usage बढ़ जाती है. We are using ACs, we are using more refrigerators, more things. So the demand for electricity is high, so water is released from a large high reservoir. High reservoir जैसे जो कि high position पर है, जैसे ये lake है, यहाँ से या आप समझ लो कोई भी रिवर है,
यहाँ से अब वाटर को रिलीज किया जाएगा. नाउ द वाटर इज रिलीज फ्रॉम अ हाई रिजर्वर एंड इट फ्लोज डाउनवर्ड्स. आपको पता है वाटर की मूवमेंट की पोजीशन कहाँ से होती है? अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ. सो इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड नाउ इट विल हिट द टर्बाइन. व्हेन दिस रनिंग वाटर ऑन इट्स वे इट विल हिट द टर्बाइन, क्योंकि अब ये जब रन करता हुआ आ रहा है तो अपने रास्ते में आने वाली टर्बाइन से जाके ये टकराएगा ना. इट विल हिट दिस टर्बाइन और जिस प्रेशर से वाटर आकर उसको हिट करेगा, इट विल रन द टर्बाइन. ठीक है, द प्रेशर विथ विच वाटर हिट्स द टर्बाइन, इट विल रन, इट विल रोटेट द टर्बाइन. बेसिकली टर्बाइन क्या करेंगी? रोटेट करेंगी. एंड व्हेन द टर्बाइन रोटेट फिर क्या होगा आगे बताते हैं. एज इट फ्लोज डाउन थ्रू पाइप्स, अब ये पाइप्स लगे हुए, बेसिकली ये पाइप्स लाइंस के जरिए मूव कर रही है. इधर आप इस तरीके से आप लोग द वाटर लूजेस हाइट एंड फ्लोस फास्टर, मतलब जैसे ही उसकी हाइट वो नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड्स मूव करना शुरू करेगा वाटर, तो इट स्टार्ट्स टू फ्लो फास्टर. मतलब जैसे ही वो नीचे की तरफ होगा उसकी स्पीड और इंक्रीज कर जाएगी. अंडरलाइन द वाटर इज लूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड गेनिंग काइनेटिक. अब वाटर जो है उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो लूज कर देगा और अब उस पर कौन सी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. जो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज स्टोर्ड एनर्जी. यू कैन अंडरलाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी. व्हेन द वाटर इज स्टोर्ड इन द लेक, जब वो मूव नहीं कर रहा था तो इट इज स्टोर्ड एनर्जी. उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? स्टोर्ड एनर्जी. बट व्हेन द वाटर स्टार्ट्स मूविंग, तो उसकी एनर्जी, हमने पढ़ा ना एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. Energy can be changed from the potential energy into kinetic energy. Yani ab energy kaun si ho gayi hai? Moving energy ho gayi hai. So as the water passes through the turbines rotate driving generators which produce electricity. Ab jaise hi water turbines se pass karega, isko hit karega, to turbines start rotating and the generator which is attached to it starts producing electricity. Theek hai, aur wo jo generator yahan laga hua hai ये क्या करेगा? इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो इस तरीके से फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ट्रांसफॉर्मर्स पे जाती है, पोल्स पे जाती है और फिर फाइनली होम्स में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में, हर जगह जाती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैव प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये कुछ पार्ट्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है दे आर प्रूव्ड वेरी यूजफुल or successful, such as Scandinavia and North America. जैसे कि Scandinavia और North America. लेकिन they are expensive to build. इनको बनाना क्या है? Expensive है. They are not very cheap. They are expensive. It is often necessary to change the surrounding countryside by building dams and diverting rivers. This may flood farming, farmland and people may have to move from their homes. Okay? So now what are they saying? अब उन्होंने कहा है कि कंट्री साइड को जो है अगर आपने डैम्स बिल्ड करने हैं तो जो सराउंडिंग कंट्री साइड है, यानी कंट्री साइड जो विलेज एरियाज होते हैं उनको आपको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, जरूरी है उनको चेंज करना बिकॉज बाय बिल्डिंग dams and diverting rivers. क्योंकि जब आप rivers का जो diverting rivers, यानी जब आप rivers की direction change करेंगे, dams build करेंगे, तो आपको वहाँ से जो लोग हैं वो हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर जो है वो क्या हो सकता है? Flood आ सकता है. Water level अगर ज़्यादा rise कर जाए तो floods आ जाते हैं. So this may flood farmland and people may have to move from their homes. So that's why उन्होंने कहा है अगर आपने डैम्स बनाने नियर कंट्री साइड तो आपको वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नेसेसरी, बिकॉज इट विल बी, इट विल देन फ्लड द फार्मलैंड एंड पीपल मे हैव टू मूव फ्रॉम देयर होम्स. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने यहीं तक पढ़ना था. अब इसके साथ जो क्वेश्चन है, अब आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लें. नोट डाउन योर होमवर्क. यू हैव टू डू, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पेज नंबर 37, 39 and
41 पे जो आपका जो ऊपर वाला टेस्ट योर सेल्फ है ना, व्हाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये वाला ये आपको करना है. ठीक है, यू हैव टू डू दिस. टिक मार्क कर ले, आपने जो ऊपर वाला टेस्ट योर सेल्फ है वो आपने करना है, नीचे वाला नहीं करना है क्योंकि वो भी हमने नहीं पढ़ा, हमने ऊपर वाला करना है. व्हाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. Okay, now I'm going to ask questions from you. Yes, raise your hands. Yes, who will tell me about rod excluders? What is meant by rod excluders? Jaldi jaldi batana hai aapko. जी दोनों दिमाग. Teacher, rod excluders can be stopped by fixing strips of plastic or foam around the edges of doors and windows. ठीक है, rods can be stopped. Excluders तो वही हो गए ना. ठीक है, rods can be good. Rods can be stopped by placing foam or plastic. Okay, what do we mean by hot water cylinder jackets? Now who will tell me? Hot water cylinder jackets. Ji, raise your hands. Turn on your cameras. And raise your hands. Ji, Fatma. Carbon cylinder with a thick ductile filled with insulating materials short down the heat loss and save fuel. जी, hot water cylinder jackets में we can just put a jacket over a copper cylinder so that it will act as an insulating material and prevent heat loss. Yes. So now, test yourself question answers मैं पूछने लगी हूँ page 39 के. Which fossil fuels are going to run out first? जी, who is going to tell me the answer? जो what? Which fossil fuels are going to run out first? Yes, Rian. Oil. It's natural gas. First is natural gas. It's going to run out first. It can be oil as well, हाँ, क्योंकि अगर आप उस पे page 37 के accordingly देखें तो oil की supply उन्होंने 50 years लिखी हुई है और natural gas की 70 years. So oil first पे आता है और natural gas जो है वो second पे. ठीक है. Okay, we are running out of fossil fuels, so just three ways we can deal with this problem. इसका answer कौन बताएगा? Who is going to answer? जी नूर रिमान, यस स्पीक. जी बताएं. Alternative fuel of oil and gas make the best possible use of energy we get from fossil fuels. Now find new sources of energy where fossil fuels do not have to be burned. Good. यही है इसका आंसर. Okay, what does conservation mean? Now who will tell me about what is the meaning of conservation? Yes, Rohan. You can tell me. जी, I can. जी स्टूडेंट्स, कैन आई टेल? जी अहमद रजा, यू कैन टेल. कंजर्वेशन मींस मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन मींस मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी. जी
Next question. Why conservation of energy supplies in cooler climate is more important than in warmer parts of the world? Now who will answer me? Yes, then you can. More energy is used in the climate. More energy is used in the cooler part of the climate. For what purpose? For heating and cooking. Good. ठीक है, यही इसका आंसर है कि most more energy is used for heating. So basically that's why it is important. This is more important. Okay, next question. How loft insulation can reduce energy loss in a house? ये हमने जो सबसे पहले पढ़ी थी loft insulation. Now who will tell me about this? Raise your hands. जी, who is going to tell me? Raise your hand, students. Yes, Heather, आप बताएं. Hello. Explain how loft insulation can reduce energy loss in a house. I don't know. Ahmed Razi, you can tell me. Miss, what is the question? How loft insulation can reduce energy loss in a loft insulation? Need roof insulation. Roof का मतलब हमने क्या पढ़ा था? Roof. It's related with roof. पता है आपको आंसर इसका? I can. Yes. To prevent with glass fiber and material roof. Sorry, I don't understand properly. दोबारा repeat करें. Teacher, we fill holes of wall and roof from material. Yes, insulating fiber. Good. So we can use some kind of insulating material or fiberglass to prevent the energy loss. Then four ways in which heat can escape from a house. Now who will answer? This is very easy. Yeah, I can. Can I? जिसको भी आते आंसर, you can speak up. Number one is insulation. Number two is double glazing. Number three is rod excluders. And number four. No, they are not asking the matters. They are asking how can heat escape from a house. Four ways. यानी किस-किस तरीके से heat escape? Through windows, through the rods and floors, through the walls and through the roof. Very good. This is students. This is the question answers of page number 39. You have to do page number 39 question answers, page 37 question answers, and page 41 the question answers, which are at the top, at the top page or at the top of the page. मेरा 22 नंबर मिसिंग था तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट लगा तो शो कर दिया मुझे.